यो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग एक नया गेम ट्राई करने वाले हैं। और गाइज एक गेम कुछ शूटिंग गेम से मिलता जुलता है, जिन लोगों को शूटिंग गेम पसंद है वो उन लोगों के लिए वीडियो खास है। गाइज ये गेम बहुत ही अच्छा है, मैं इसमें लगभग इस गेम के बारे में बताऊँगा और ये गेम खेलूँगा, क्योंकि ये गेम भाई मेरे को भी बहुत पसंद आया और मैंने सोचा इसकी वीडियो मेरे को बनानी चाहिए। तो गाइज इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ज़ॉम्बीज का, टैंक्स का, गन्स, मिशंस। तो मेरे को भी अभी एक हफ्ता भर हुआ है इस गेम को खेलते हुए और भाई मैं 390 लेवल पे आ गया हूँ। तो गाइज अभी यहाँ पे तुम देख ही रहे हो कितने मैच हैं। तो अभी अपन नॉर्मल गेम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा कम करते हैं। तो गाइज देखो, पहले बंदे को भाई हेडशॉट, क्योंकि देखो तुम्हारा भाई मैं हूँ और तुम्हारा भाई प्रो है। देखो यहाँ पे इतने सारे बंदे आ रहे हैं, कोई मेरा कुछ बिगाड़ तक नहीं सकता है भाई। कुछ बंदे ज़्यादा नहीं हो गए आगे पीछे भाई, कहाँ कहाँ संभालूंगा मैं, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, तुम्हारा भाई प्रो है मैं सब संभाल सकता हूँ। तो यहाँ पे और मारा, उधर एक और है भाई। इतने सारे बंदों के बीच से मैं कितने बहादुरी से निकल गया यार, इतना प्रो मेकअप से हो गया। तो गाइस देखो ये हेड नहीं पड़ते यार मेरे से। तो गाइस तुमने देखा अभी मैं से एक हेड शॉट पड़ा गलती से ऊपर वाला। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, यहाँ पे एक और बंदा है, ये भी गया। अब एक ही बंदा बचा है शायद, वो भी ऊपर चढ़ा हुआ है, इसको भी भाई मरेगा। वाह भाई क्या हेड मारा है इसको। तो भाई एक स्टार क्यों मिला, इतना अच्छा, इतना बुरा भी नहीं खेला मैं। तो गाइस यहाँ पे स्नाइपर भी है, तुम देख ही रहे हो। तो अब मैं तुम्हें स्नाइपर चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे भाई साहब स्नाइपर का हेड शॉट, तो देख ही रहे हो तुम स्नाइपर से कितने जल्दी जल्दी किल निकलते हैं। क्योंकि गाइस मेरे पास जो स्नाइपर है वो भी मैक्स लेवल पर है। अभी स्टार्टिंग में अगर तुम स्टार्ट भी करते हो गेम खेलना, तो तुम्हें इतना अच्छा स्नाइपर नहीं मिल पाएगा। तो तुम्हें मतलब हफ्ता भर वेट करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा रोज एक बार गेम में। तो देखे तो भाई क्या हेड मार रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से बंदे आते जा रहे हैं और मरते जा रहे हैं। ये ग्रेनेड ख़राब करते हैं यार, ये ग्रेनेड ज़्यादा डैमेज तो नहीं देता है, थोड़ा बहुत ही देता है, इसलिए मैं ग्रेनेड से इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी काफ़ी सही तक डैमेज अच्छा खासा दे देता है। अब अगला वो ऊपर क्या कर रहा है, ये बंदे हैं ना थोड़ी देर तक अपन से लड़ते हैं और उसके बाद अपने ही धुन में खो जाते हैं, इनको ध्यान ही नहीं रहता क्या कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर है एक और बंदा और ये भी भाई मरे, ये गोलियाँ क्यों ख़त्म हो जाती है भाई। तो तुम देख ही रहो ये इतने ईजीली ये चुटकी बजा के निकल रहा हूँ। अब अपन चलते हैं अगले लेवल में, इसके बाद कई दूसरे मोड ट्राई करेंगे अपन, क्योंकि इसी में बोर हो जाओगे फिर तुम तो। और मेरा गेम प्ले भाई इतना अच्छा नहीं है, मेरे को क्या कहते हैं उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो देखो यहाँ पे इतना बढ़िया वाला हेड मारा है मैंने इसको, यहाँ पे भाई कैसे कैसे किल निकाल रहा हूँ मैं। सामने एक और हेड शॉट, चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे गाइस एक और बंदा है दूर खड़ा, वो भी गया, ये भी गया, मतलब बंदे दिखना चाहिए बस, मारने का काम मेरा है। यहाँ पे ये वाला बंदा भी गया, ये तो जाने, ये मतलब मेरे सामने कोई टिक ही नहीं सकता ना यार। अभी तो मैं गाइस 400 लेवल पे आ चुका हूँ, जब मैं गेम स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था उस टाइम तो भाई ऐसे नूब बंदे आते थे उस टाइम, मतलब उस टाइम के अगर 50 बंदे अब आ जाए ना तो उनको भी मैं अकेला संभाल सकता हूँ। स्टार्टिंग में नूब बंदे आते हैं पर धीरे धीरे गेम लेवल अप होता जाता है। अभी तो मैं 400 लेवल पर हूँ, मेरे को पता भी नहीं है गेम का एंड कब होगा। तो भाई वापस एक स्टार, इतना ख़राब खेलता हूँ क्या मैं। तो गाइस एक स्टार हमें ये दिखाना चाहता है कि हमारा गेम प्ले इतना अच्छा नहीं है। तो गाइस हमें अपना गेम प्ले बढ़ाना होगा, अच्छा करना होगा। तो अपन आगे चलते हैं, यहाँ पे बंदे भाई अलग ही लेवल पे, ये वहाँ पे कंटेनर फोड़ते रहे, तीन बंदे ख़त्म। ये हेड खाया मेरे से, मतलब हेड तो भाई एक नंबर पड़ते हैं। ये एक और गया, ये भी गया, तो कौन सा बच जाएगा भाई यहाँ से, साइड से मारता है भाई। एक बंदा अभी भी अलाइव है क्या, अच्छा वो आगे की साइड है, इधर नहीं आगे आएगा वो, हाँ ये रहा। चलो भाई ऐसे टाइम पे गोली ख़त्म होती है, चलो ख़त्म है शॉट, कम से कम दो स्टार तो मिले, अच्छा है। तो अभी क्या करते हैं ना गाइस, दूसरा मोड ट्राई करते हैं, टैंक मोड चलाते हैं चलो, क्योंकि तो इस गेम के अंदर भी बहुत सारे लेवल्स हैं, अभी बाद में देखेंगे वो सब, अभी टैंक में चलते हैं और मैं इसमें 80 लेवल पर हूँ। तो यहाँ पे ये भी बहुत ईजी निकल जाता है, अभी का जो मेरा टैंक है ना वो मैक्स लेवल वाला है, इसीलिए एक एक गोली में सारे टैंक मर जाते हैं, नहीं तो भाई बहुत हार्ड होता है, दो तीन गोलियों में मरते हैं सब। और मैंने कॉइन कलेक्ट कर रहा था, जैसे कॉइन कलेक्ट हो गए मैं डायरेक्ट ही टैंक खरीद लिया ये वाला।
तो चलो भाई, टैंक में तो मेरे को उतना पसंद भी नहीं आता, बोर हो जाता हूँ खेलते खेलते। तब दूसरा जॉम्बी वाला मोड ट्राई करा, जॉम्बी नहीं पहले पीवीपी वाला दिखाता हूँ तुमको, जहाँ पे बैटल को स्टार्ट करते हैं, रैंडम मैच स्टार्ट। तो गाइस इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन है, पता नहीं बस ऐसा क्यों दिखाता है जैसे ऑनलाइन चल रहा हो। यहाँ पे अपन अपने पसंद की गन ले लेते हैं और अपन को अब मारना है बंदों को। तो गाइस इसमें क्या करना होता है ना, जिसके पहले 15 किल हो जाते हैं जिस टीम के वो जीत जाती है। तो सामने एक बंदा है मेरे, मर गया रे, यहाँ पे भाई बहुत सारे बंदे हैं। तो गाइस इसमें ये वो बोट जैसे नहीं खेलते, क्योंकि ये सब बंदे होते हैं प्रो, ये जब मारने पे आ जाते हैं तो पूरा मार देते हैं। तो देखो यहाँ पे भाई हेल्थ कम हो रही थी क्या मेरी, मेडिकेट थी यार मेरे पास, ये भी चलने देते हैं। गाइस वापस स्पॉन हो गए हैं अपन और स्कोर हो चुका है 3-7 का। तो पहले अपन को जीतना ही होगा कैसे किसी भी हालत में, और मेरे पे ये पूरी टीम की जिम्मेदारी, क्योंकि मेरे टीम वाले क्या कर रहे हैं ना, जा रहे हैं मर के आ जा रहे हैं। और सारा के यहाँ पे ग्रेनेड करता हूँ मैं। अब देखो एक साथ 2 किल निकाल लिए मैंने गाइस। यहाँ पे एक और स्नाइपर भाई मस्त चलाती है इस, और इस गेम में मैं स्नाइपर ही चलाता हूँ, क्योंकि वो डायरेक्ट बॉडी पे पड़ते ही बंदा ख़त्म। बाकी गन इसमें इतना काम नहीं करती जितना स्नाइपर करती है। अब देखो यहाँ पे कब जीत गए भाई, 11 किल करने थे क्या, 11 में से देखो 10 अकेले मेरे हैं। तुम्हारा भाई प्रो है यार। अब जॉम्बी वाला ट्राई करके देखते हैं। अब इसके अंदर क्या है ना, टाइम तो अभी सही चल रहा है, चलो M4A1। इसके अंदर क्या होता है ना, कुछ देर बाद सारे जॉम्बी बन जाते हैं, और उसके बाद वो जॉम्बी अपन को मारने लगते हैं। जिनको भी जॉम्बी मार देते हैं वो भी जॉम्बी बन जाते हैं, और जो लास्ट तक बचता है वो विनर होता है। तो देखो यहाँ पे एक जॉम्बी आया है, इसको तो अपन ने मार ही दिया। यहाँ पे एक और जॉम्बी है, इसको भी मार ही देंगे हम सब, मर जा रहे भाई। ये सारे जॉम्बी वहाँ छत पे स्पॉन होकर इधर ही क्यों आ रहे हैं, और हमारी टीममेट्स भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के साथी, हम सब मिल के जॉम्बी इसको मार रहे हैं। गोली ख़त्म हो जाती है ना भाई, दिल से बुरा लगता है यार। तो देखो यहाँ पे कोई जॉम्बी है, इसको भी ख़त्म किया, ये और आ गया भाई, इसको मारो। चलो ख़त्म, बहुत बढ़िया गाइस। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं हमारी टीम वाले। और जैसे जैसे गाइस अगर सब जॉम्बी जॉम्बी में हो गए ना, तो हम भी जॉम्बी बन जाएंगे। मेरे को भी जॉम्बी ने मार दिया तो मैं भी जॉम्बी बन जाऊँगा, और लिखाएगा जॉम्बी विन जब सब जॉम्बी बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैं स्नाइपर के ख़तरनाक वाले हेडशॉट दे रहा हूँ। यहाँ देखो गाइस मैं भी जॉम्बी बन गया, और इन सबको भी जॉम्बी बना दिया, क्योंकि मेरे जॉम्बी बनने के बाद ये मेरे दोस्त नहीं रहेंगे, ये मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ेंगे। तो हम सब जॉम्बी बन चुके हैं, तो इसलिए जॉम्बी विन। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।